दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेलमेंट क्या होता है। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन अ बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड बाय अ पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स शैल व्हेन द पर्पस इज कम्प्लीश बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम। ठीक है, अब देखो, बेलमेंट बेसिकली एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बेलमेंट में ये होता है कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को कुछ सामान रखवाता है, या फिर एक बंदा दूसरे बंदे से कुछ सामान बोरो करता है ताकि वो कुछ उनसे उन्हें उनसे जो कि अपना कोई स्पेशल काम ले उनसे कोई, ठीक है, उस आइटम से या उन उन सामान से, और उसके बाद उसको रिटर्न करते हैं उनकी सेम हालत में। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस तरह के माहदे को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। तो पहली होती है बेलर। अब बेलर वो बंदा होता है जो कि सामान रखवाता है, ठीक है, उसको हम बेलर कहते हैं। और जिस बंदे के पास सामान रखवाया जाता है उसको हम कहते हैं बेली, द पर्सन हु गेट्स द पोजीशन ऑफ गुड्स। ठीक है, और हम यहाँ पर कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं जो कि मूवेबल हों, जैसे कैटल हो गए, ठीक है, काउस, शीप, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, या फिर इस तरह के आइटम जो कि मूवेबल हों। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल्स ऑफ बेलमैन। ठीक है, अ पर्सन हु इज़ गोइंग आउट ऑफ टाउन डिलीवर अ हॉर्स टू बी फॉर प्रॉपर केयर। एक बंदे ने, ए ने जो है वो बी को अपना हॉर्स दिया था कि उसकी प्रॉपर केयर रख दें क्योंकि वो टाउन से अभी जा रहा था। ठीक है, ए लैंड इज कार टू बी फॉर इज ड्राइविंग ओनली। अब ए ने जो है बी को कार दी ताकि वो ड्राइव कर सके, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसकी ड्राइविंग के लिए दिए, किसी और की ड्राइविंग के लिए नहीं दी। हे आयर्स अ कार फॉर बी फ्रॉम बी फॉर ड्राइविंग। ठीक है, ए ने हायर की एक कार बी के लिए ताकि वो ड्राइविंग कर सके। ए सेल्स हिज कार टू बी हु लीव्स द कार इन द पोजीशन ऑफ ए। ठीक है, ए ने बी को कार सेल की लेकिन बी ने जो कि कार को ए के पोजीशन में रख दी। तो इस तरह की जो माहदे होते हैं, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि वर्बल भी होते हैं और मतलब ओरल भी होते हैं और रिटन भी होते हैं। ठीक है, अब इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, बेलमेंट की क्या क्या एसेंशियल्स हैं। ठीक है, तो पहली है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी है स्पेसिफिक पर्पस, तीसरी है डिलीवरी ऑफ गुड, नो चार्ज ऑफ, नो चेंज ऑफ ऑनरशिप एंड रिटर्न ऑफ द सेम गुड्स। सो एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बेलर एंड बेली। ठीक है, यहाँ पर एग्रीमेंट का होना काफ़ी ज़रूरी होता है बेलमेंट में, मतलब बेलर और बेली ये एग्री कर, बेलर ये एग्री करता है कि मैं आपको ये गुड्स दूंगा और बेली ये एग्री करता है कि मैं आपको ये गुड्स उनका पर्पस पूरा होने पर उन्हें रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अहमद गिव्स अ पीस ऑफ क्लोथ टू तारिक। अहमद ने जो कि अपना क्लोथ दिए तारिक को, अ टेलर टू मेक अ सूट। ठीक है, और ये तारिक एक टेलर है ताकि वो सूट बना सकें। दूसरा एसेंशियल है हमारा पर्पस, यानी कि ये कोई स्पेशल पर्पस वहाँ पे होना चाहिए बेलमेंट के लिए कि भाई ये पर्पस पूरा होने पर जो बेली है वो अपना सामान रखवाया गया हुआ सामान जो है वो वापस कर देगा। ठीक है, द डिलीवरी ऑफ द गुड पर्पस बिफोर सब इंटेंडेड पर्पस, जैसे एग्जांपल में अली गेव हिज वॉच टू अदील फॉर रिपेयरिंग, द पर्पस इज रिपेयरिंग ऑफ द वॉच। ठीक है, अली ने जो है वो वॉच दी अदील को ताकि वो उसे रिपेयर करे। ठीक है, तो पर्पस क्या हुआ कि वो रिपेयरिंग ऑफ द वॉच इज़ द पर्पस। ठीक है, फिर है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ गुड्स, इट मींस दैट द पोजीशन ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। एक जो पोजीशन ऑफ द गुड्स है वो ट्रांसफर होनी चाहिए बेलर टू बेली, यानी कि अगर कोई बेलमेंट हो रहा है तो उसका मतलब कि बेलर को ये लाजमन है कि वो बेली को ट्रांसफर करे गुड्स। बेलमेंट इज ओनली व्हेन देयर इज अ मूवेबल गुड्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड दैट के बेलर जो कि वो मूवेबल गुड्स में बेलमेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हसनैन एंटर्ड अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर, अ वेटर टुक हिज कोट एंड हैंग इट ऑन अ हुक, लेटर द कोट वॉज मिसिंग, द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज हेल्ड लायबल। ठीक है, अब नो चेंज ऑफ ओनरशिप, यहाँ पर सिर्फ पोजिशन ट्रांसफर होती है टेम्परेरी। ठीक है, लेकिन ओनरशिप चेंज नहीं होती है। अगर मैं किसी को बेलमेंट के तहत कोई कार्ड देता हूँ उसकी यूज़ के लिए, तो इसका मतलब कि मैं अभी भी उस कार्ड का ओनर हूँ। अंडर द बेलमेंट ओनली द पोजीशन ऑफ गुड्स पासेस फ्रॉम वन ओनर टू अनदर एंड नॉट द ओनरशिप। ठीक है, अली गिव हिज वॉच टू अदील फॉर रिपेयरिंग, अली रिमेन द ओनर एंड मेरी पोजीशन ऑफ द वॉच वॉज ट्रांसफर। सिर्फ पोजीशन जो है वो ट्रांसफर होती है।
पीरियड रिटर्न ऑफ सेम गुड वापसी करने होते हैं सेम कंडीशन में. आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ पर्पस द गुड मस्ट बी रिटर्न टू द बेलर. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप यू शुड रीड दोस. आई विल जस्ट पास द स्लाइड्स. अब यहाँ पे कौन कौन सी काइंड होती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक बेनिफिट की साइड पर काइंड होती है, दूसरी होती है रिवॉर्ड की साइड पे. ठीक है, बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली. ठीक है, इस तरह के बेलमेंट होते हैं जो कि कभी कभी जो कि बेलर की बेनिफिट के लिए होते हैं, कभी बेली के बेनिफिट के लिए होते हैं, कभी दोनों के विन-विन सिचुएशन होती है. ठीक है, सो रिवॉर्ड में यहाँ पे दो तरह के होते हैं, बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड जब बेलमेंट होती है, और जब बेलमेंट पूरी ख़त्म हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट, तो बेली को जो कि वो रिवॉर्ड मिलता है, और बेलमेंट विद रिवॉर्ड कि मतलब ये बेलमेंट विद रिवॉर्ड है. ठीक है, और बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड जब बेली को वो ऑर्डर दे कि भाई मुझे मेरे गुड्स वापसी कर दो, और रिटर्न में बेली को कोई रिवॉर्ड ना दे. ड्यूटीज टू डिस्क्लोज द फॉल्ट. ठीक है, अब हम यहाँ पे हम ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ रहे हैं कि बेलर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं. ड्यूटीज टू डिस्क्लोज फॉल्ट, यानी कि अगर कोई भी सामान जो है बेलर रखवा रहा है बेली के पास, और उस सामान में कोई ना तो कोई फॉल्ट है, और तो उसको वो लाजमन है कि वो फॉल्ट उसको बताए कि भाई इसमें ये फॉल्ट है. अगर वो नहीं बताता है तो इस सूरत में बेलर जो कि वो लाइबल है अगर उस फॉल्ट की वजह से बेली को कोई नुकसान पहुंचता है तो. ठीक है, जैसे रोल्फ हायर्ड अ मोटर बोट फॉर उमर फॉर हॉलीडे, द बोट कॉट फायर एंड रोल्फ कुड नॉट पुट आउट द फायर एज द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. रोल्फ वॉज इंजर्ड, उमर वॉज हेल्ड लाइबल. ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी ड्यूटी की, दैट इज़ ड्यूटी टू रिपे एक्सपेंसिव. अब बेलर ने कोई सामान रखवाया बेली के पास, और बेली को जो है वो सामान को मेंटेन उनकी उसको मेंटेन रखने के लिए या उसकी प्रिजर्वेशन के लिए उसके पास जो भी अखराजात आए, तो ये लाजमन है कि वो अखराजात बेलर को फुलफिल करने पड़ेंगे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर कोई काव रखवाई, एक बेलर ने बेली के पास काव रखवाई, और काव जो कि बीमार पड़ गई, और उस बीमार की सूरत पे बेली को काफ़ी अखराजात आ गए, तो वो अखराजात वो बेलर से क्लेम कर सकता है. ठीक है, जैसे अली लैंड हिज हॉर्स, अली लैंड हिज डॉग टू अहमद, द डॉग्स गेट सिक एंड अहमद स्पेंड ₹500 ऑन मेडिकल केयर एंड ₹200 ऑन फीडिंग द हॉर्स. अली इज लाइबल टू पे ₹700 टू अली. ठीक है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर डिफेक्टिव टाइटल. ठीक है, अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव है, यानी कि जो बेलर है उसने किसी और से पहले बोरो की है कोई चीज़, और फिर वो बोरो की हुई चीज़ बेली को दे दी है और कहा है कि ये मेरी चीज़ है, तो इस सूरत में अगर इस टाइटल के डिफेक्टिव होने से अगर बेलर को बेली को कोई नुकसान पहुँचता है, तो वो नुकसान बेलर को पूरा करना पड़ेगा, उसकी भरपाई जो है वो बेलर को करनी पड़ेगी. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझें कि मैं जो है आपको कार देता हूँ, और आप जो है कार लेकर चलाते हो, और आपको कोई अचानक से बंदा पकड़ लेता है पुलिस वालों के साथ, और कहता है कि भाई ये मेरी कार है और तुम चोरी करके गए हो. ठीक है, तो इस सूरत में जो है अगर आपके पास जो भी चार्जेस या जो भी आपको आपके ऊपर मतलब जो भी आपको जो देना पड़ेगा, मतलब जो भी आपके पास आपके ऊपर जो भी पनिशमेंट लगेगी, वो पनिशमेंट जो है आप डायरेक्ट बेलर के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि मुझ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक बंदे से बोरो किया था, बोरो की थी कार. ठीक है, तो वो कार जो उस बंदे ने मुझे दी थी अपने मेरे यूज़ करने के लिए, लेकिन मैं वही कार जो है मैंने आपको दे दी, तो और उस बंदे ने देख लिया आपको चलाते हुए, तो उस बंदे ने आपको पकड़ लिया, सो आई एम लाइबल फॉर इट. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कार जो कि असली हकीकत में मेरी नहीं उस बंदे की है. ठीक है, अब ये ड्यूटी टू रिसीव बैग ऑफ गुड्स. ठीक है, अब ये भी एक बेलर की ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स जो है वो टाइमली वापस ले. ठीक है, जब पर्पस जो है अकम्पलिश्ड हो जाए. फिर आ जाते हैं हमारे राइट्स ऑफ बेलर. ठीक है, राइट टू क्लेम द डैमेज, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड आफ्टर द पर्पस इज फुलफिल्ड, राइट टू क्लेम इंक्रीज, राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट एंड राइट टू सू. ठीक है, अब राइट टू क्लेम डैमेजेस, यानी कि बेलर जब बेली से सामान वापसी लेगा और सामान में कोई डैमेजेस होंगे, तो वो डैमेजेस के पैसे उनसे बेली से मांग सकता है.
राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड, ठीक है, जब बैली का पर्पस हो गया तो बैली मतलब फुलफिल हो गया तो बैली जो है अब फर्दर उन गुड्स को नहीं रख सकता, क्योंकि अब बैलर के पास ये राइट है कि वो उनसे अपने गुड्स वापस ले ले, ठीक है। राइट टू क्लेम द इंक्रीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल बैलर बैली के पास जो है बैलर ने एक काऊ रखवाई और उस काऊ से जो है वो काफ निकला, ठीक है, यानी कि उसका बच्चा हो गया, काऊ काऊ प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो अब वो जो है वो काऊ भी बैली से लेगा और काऊ 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 का बच्चा भी उसे लेगा, वो दोनों का ओनर है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, शेयर्स की बात करते हैं, अगर जैसे शेयर्स कोई किसी के पास रखा कर जाता है और शेयर्स में इंक्रीज आ जाता है, उनकी जो वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो और वैल्यू जो है वो तमाम शेयर्स सेल कर देता है, तो वो तो जो जितने के शेयर्स थे वो तो क्लेम करेगा ही करेगा, साथ में जो इंक्रीज़ हुआ वो भी क्लेम करेगा, ठीक है, ये इसका राइट है बैलर का। दूसरा है राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, ठीक है, बैलर के पास कभी भी राइट है कि वो कभी भी आके बोले कि भाई मुझे मेरे गुड्स वापसी कर दो, मैं तुम्हें नहीं दे रहा, भले पर्पस फुलफिल हो गया हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, ये भी इनके पास ये राइट होता है कि बेलमेंट को टर्मिनेट कर दे। राइट टू सू, और वैल्यू अगर जो है वो वापसी नहीं करता तो उसके पास ये राइट है कि वो उससे सू करें। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ बैली की, ड्यूटी टू टेक रिस्पॉन्सिबल के, अब ये एक बैली की मतलब ये ड्यूटी है कि वो उस चीज़ का इसी तरह से ही ख्याल रखे जिस तरह से वो अपनी चीज़ों का ख्याल रखता है, ठीक है, मतलब केयरलेसली उस चीज़ों का ख्याल ना रखे, ठीक है। तो पहली ड्यूटी ये रीजनेबल केयर रखे, दूसरी ड्यूटी है कि वो अनऑथोराइज यूज़ ना करे, यानी कि अगर वो सामान जो है किसी सिर्फ बैली के यूज़ के लिए दिया हुआ या किसी रिस्ट्रिक्शन है कि आप बैली के अलावा या फिर बैली भी नहीं या कोई भी उसको यूज़ नहीं करेगा या इस तरह यूज़ नहीं होगा तो वो उसको उस तरह यूज़ नहीं करे, ठीक है, ओनली सो ओनली जो अथोराइज वे है उसी तरीके से वो इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, जिस जो कि टर्म्स और कंडीशन में लिखा हुआ है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, ठीक है, ये एक और बैली की ड्यूटी है कि वो उस सामान को यानी उसके दिए हुए सामान को अपने सामानों के साथ मिक्स ना करे, ताकि फिर बाद में और उसको मिक्स किया हुआ सामान ना दे वापस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैलर जो है बैली के पास फ्लोर रखवाता है और वो फ्लोर जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी पे है, तो और उसके उस और वो जो हाई क्वालिटी वाला फ्लोर है वो बैली जो है अपने लो क्वालिटी वाले फ्लोर के साथ मिक्स कर देता है, तो यहाँ पर जो है वो बैली लाइबल होगा, ठीक है। अब ड्यूटी टू रिटर्न द इंक्रीज, ठीक है, ये भी एक बैली की ड्यूटी है कि वो जब भी उससे प्रॉफिट हो सामान जो रखवाया है बैलर ने और उस सामान रखे हुए सामान से प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट भी बैलर का होगा। अब राइट्स ऑफ बैली, ठीक है, राइट टू क्लेम डैमेज सेम, राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हुए सामान को रखने में या फिर उसकी प्रिजर्वेशन में, ठीक है, तो वो बैलर से क्लेम कर सकता है। राइट टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ गुड, अगर वो किसी और बंदे को डिलीवरी कर रहा है उस गुड्स की तो वो स्टॉप कर सकता है। राइट टू सू, राइट टू लियन, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।